सती के आत्मदास शुभ्ध शिव जब सती के शव उठौले सहस्त्र वर्षन तक ब्रह्मांड में घूमत रहलन तब भगवान विष्णु सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंग के सुदर्शन चक्र से विखंडन कैलन। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरल वो स्थान शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध भेल और वही के रक्षा खातिर शिव के अंश से भैरव के उत्पत्ति भेल और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु इस शक्ति पीठ अस्तित्व में आयलन। आज हमने उत्तर भारत में स्थित मुक्तेश्वरी शक्ति पीठ के अस्तित्व में आवे के कथा बताई। यहाँ माता के मस्तक के दामिनी गिरल रहल। ये स्थान के दर्शन करे वाला भक्तन के जीवन में कबो नकारात्मक शक्तियन से हानि ना होखेला। हमार पिशाच लोग आगे बढ़ा। ई तो कोनो अनिष्ट के संकेत बा। ऐसन प्रतीत होखत बा जैसे कोनो शापित आसुरी शक्ति स्वयं के शाप से मुक्त करावे के प्रयास कर रहल बा। हमके देखे के होखी कि ऊ शापित आसुरी शक्ति के बा। हमार पिशाच मित्र लोग माता के शक्ति पीठ के तरफ तीव्रता से आगे बढ़ा। ऐसन प्रतीत होखत बा कि माता मुक्तेश्वरी देवी के शक्तिपीठ पर कौनो संकट बा, कौनो अनहोनी होखे वाला बा। हे हमार रूप भूतेश्वर भैरव सचेत होखा त्रिकाल दर्शी बना। कुछ अनर्थ होखे वाला बा। हमके माता मुक्तेश्वरी देवी के शक्ति पिंड पर संकट के आभास हो रहल बा। ईला तू फल ना आई हमनी सब चल के माता के आरती करल जाए। आई सावधान ऋषि माधवाचार्य दुष्ट शमशासुर
तू पुनः आ गेला तुहारी दुस्साहस। ऋषिवर रउआ का सोचले रहनी कि हमके सह शरीर पिशाच लोक में वापस भेजे के श्राप दे के हमसे मुक्ति पा जाइब, और ये प्रकार हम रउआ से भयभीत हो जाइब। गदा पिना हट जाई हमार मार्ग से, हम माता के पिंड के यहां से ले जाए आयल बानी। आगे बढ़ा, उठाला माता के पिंड के। रुक जा शमशासुर, भूल के भी तू ई पाप करे के मत सोची हा। ई माता के पवित्र स्थान बा, यहां तोरा खातिर कोनो जगह नहीं खे। हट जा पीछे, हटा पीछे। ऋषिवर रउआ हमके माता के पिंड के यहां से ले जाए से रोक ना पाई, हम एके लेके जाई और माता के बाध्य कर दे कि तू हमके पिशाच लोक से मुक्ति दे। हमके माता से शक्ति चाही, शक्ति माता हमके मुक्त कर पूरा संसार में राज करे के शक्ति दी है। मूर्ख शमशासुर, तोके अपन शक्ति प्राप्त करे खातिर माता के पिंड पिशाच लोक में चाही, और ये पिंड इहवा मानवता के भलाई खातिर बा, दुखी लोगन के दुख हरे खातिर बा, संसार के कल्याण खातिर बा। बहुत अच्छा विचार बा राउर, बाकी हमरा खातिर व्यर्थ बा। हट जाए हमारा रास्ता से, आगे बढ़ा हमार पिशाच मित्र लोग। माता, हमार पिशाच सैनिकन के नाश करके रउआ हमके पिंड ले जाए से रोक ना पाई। कदापि ना, आज हमके केहू ना रोक सकेला, स्वयं रउआ भी ना। हम रोकब तोहके। शमशासुर, माता के ये पवित्र पिंड के तू अपन अपवित्र हाथ से छू भी ना सकेला। रक्षक बानी हम ये माता के पिंड के, तोहके तोहार ये पाप के दंड अवश्य मिली। माता के पीठ के अपमान करे के दंड ऐसन देव जेकर कल्पना भी तू कर ना सकेला। अधर्मी, हम तोहके छोड़े खातिर नहीं की पकड़ ले, अब तैयार हो जा अपन दंड खातिर। हम क्या मुक्त करा भैरव, ना तो परिणाम भयानक होगी। तू नहीं खा जाना था। परिणाम की चिंता अब तू मत करा, अब तू कदापि ये कमंडल से बाहर ना निकल पा, बंदी बन के यही कमंडल के भीतर रह पा। शमशासुर, सुरक्षा रेखा के भीतर तोहरा जैसन पापी खातिर कोनो स्थान नहीं खे,
यही से तू ये रेखा के बाहर रह बा। तू यहाँ से देखत रह बा कि माता के शक्ति का बा। उनकर भक्त लोग के भक्ति देख के तुहके अपन भूल के आभास हो जाई। यही आत्मग्लानी में जियत रह बा कि तुहसे कितना बड़ पाप हो गई बा। हे भैरव, शक्ति पिंड के रक्षा करे खातिर राउर धन्यवाद। ऋषिवर, हम तो केवल माता के पीठ के रक्षा करे के कर्तव्य निभावत रहनी, परंतु हमके अभी भी लागत बा कि माता के पीठ पर संकट समाप्त नहीं है भाई। हमरा होकते भैरव शमशासुर के बंदी बना लेवे ना ना। शमशासुर के एतरा अपमान ना। शमशासुर, तुके पिशाच लोक में वापस आवे के होखी। हम ले तुके पिशाच लोक में वापिस आज यही क्षण अभी। जागा हमार शक्ति, जागा। ऋषिवर, भूखल के खाना खिया दी, भूखाइल बानी, भूख लागल बा, कई दिन से अन्न के एगो टुकड़ा बिना देखनी, दया करी ऋषिवर, सहायता करी, कुछ तक खिया दी, कहीं कहीं मर ना जाई। तू चिंता मत कर, तू यहाँ हमरा लगे आवा, हम तोहके अभी फलाहार करावत बानी। ऋषिवर, हम बहुत थक गल बानी, हम वहां तक ना आ पाए। तू इहे रुका, हम तोरा खातिर अन्न लेके आवत बानी। कहां जा रहा बाड़ा बिना अन्न खाइले? तो पिशाच लोग इतना आसानी से मन बना, परंतु ये भूल गईला कि हम सदा ही ये पीठ में स्थापित रहेनी। लावा वो कमंडल हमके दे दा। कहा कह रहल बानी रहुआ, हम कहे चुराइब कमंडल? हमार तो समझ में नहीं आ रहल बाकी रहुआ, कौन कमंडल के बात कर रहल बानी? हम वो कमंडल के बात करत बानी जौन यहाँ रखल रहल, जे के तू चुरा के अपन वस्त्र में छुपा ले ले बाड़ा। निकाला या रुक जा भैरव, शमशासुर के तू बंदी बना के इसे ना रख सकेला, होकर जगह यहाँ ना, हमनी के पिशाच लोक में बा। लावा वो कमंडल हमके दे दा। हमार गुरु हमके ये खातिर तो उत्पन्न ना कर ले रहले हैं कि हम शमशासुर के यहाँ छोड़ के वापस चल जाएं। हमार तो जन्म ही यही खातिर भइल बा कि हम इनके अपना संगे
पिशाच लोक लेके जाई और हम इनके अपना साथ लेके ही जाई। ये हमके आदेश मिलल बा। ई तोहरा खातिर कदापि संभव ना होखी। संभव रुक जा, अंतिम चेतावनी दे रहल बानी तोके। वो कमंडल हमके वापिस लौटा दा, नेथा एकर परिणाम ठीक ना होखी। ना भैरो, तू हमार कुछ ना बिगाड़ सकेला। हम समसासुर के वापस पिशाच लोग ले जाके ही रहब। और तू भी हमके ना रोक पाइबा भैरव। मित्र सावधान रहिया, वो भैरव बहुत ही चतुर बा, कुछ भी कर सकेला। कहाँ चल गई? भैरो गईल का? हाँ। देखा, हम जान गईल बानी कि तू यहाँ कहीं छिपल बाड़ा। कमंडल हमके दे दा, यही में तोहार भलाई बा, अन्यथा हम ही पत्थर तोड़ दे। कदापि ना। आज हमके समसासुर के पिशाच लोग ले जाए से केहू भी ना रोक सकेला, तू भी ना। भैरव के कोनो प्रकार भ्रमित करे के होखी ताकि हम यहां से निकल जाएं। भैरव कल रानी नाम तो के कबो ना रोक पाई बातू हमके। अब क्या करें? भैरव के अधिक देर तक रोक पाइल संभव नहीं थे। वो कोनो क्षण यहां पहुंचे वाला होखी।
इतना सारा कमंडल, कहीं वो दुष्ट हो कमंडल के इन सबके बीच में न छुपा देले होगे, हमके देखे के होगी। नारायण नारायण, भैरव ई का अनर्थ करे जा रहल बानी रहुआ। कुआं में रखल ई कमंडल कोनो साधारण कमंडल नहीं खे, ई ता वर्षों से तपस्या में लीन साधु बाड़े। रहुआ नीचे जाए से उनका तपस्या भंग हो जाए। ना मुनिवर, हम के ऊ कमंडल चाही जे में समसासुर बंदी बा, और ऊ यही सब में से एक बा। का रहुआ एक कमंडल सब में वो कमंडल के ढूंढ पाई? देखी सब एक समान बा। भैरव अब रउवे निर्णय ली कि इनका तप भंग कर रउवा आपन कमंडल ढूंढब, या फिर इनके शांति से तप करे देव। नारायण नारायण। पृथक भैरव हमार अपमान कैले बा, वो अपमान मात्र हमार ही ना समस्त पिशाच लोग के कैले बा। रौर ज्ञान के अपमान कैले बा, हमने आज ही मिलके ये अपमान के प्रतिशोध लेबे के होखी। पिशाच सेना के संगे हम आज ही माता के पीठ पर आक्रमण करब और भैरव के अंत करब। ओ पिंड के यहाँ लाई और माता के बाध्य कर देव की वो हम सब के पिशाच लोक से मुक्त कर दे। माता, समसासुर के बच के भाग जाइल बहुते निराशाजनक बा। उ पिशाच के सहायता से कुछ भी कर सकेला, होखे ना होखे वो ये समय पिशाच लोक में कोनो नया योजना बना रहल होखी। वो अकेल नहीं खे माता, ओकरा संगे अब पिशाच भी बा। हम तोहार साथ देव समसासुर, हमके भी ये पिशाच लोक से मुक्ति चाही। बाकी तू देखला पीठ के सुरक्षा खातिर भैरव जे सुरक्षा रेखा खींच ले बा, हमनियों के पार ना कर सके नी। और यदि हमनियों के पार करे के प्रयास कई नी तो हमने हुए भस्म हो जाई। भैरव ई उचित बा, सुरक्षा रेखा के होकते समसासुर और पिशाच शक्ति पिंड के भीतर प्रवेश ना कर पाई हैं, परंतु उ शांत ना बैठी हैं। समसासुर के संगे ओकर पिशाच गुरु के होखल बहुत ही घातक बा, उ कोनो ना कोनो दोसर उपाय अवश्य सोची हैं। जानत बड़ तू माता के शक्ति पीठ में प्रवेश करके पिंड के प्राप्त करे में असफल काहे हो रहल बाड़ा? काहे कि तुहार आत्मा अशुद्ध और अपवित्र बा। एकर अर्थ ता ई भइल कि हम माता के पिंड के अपना अधिकार में कबो ना ले पाई। हम ही तना कहनी तू आज भी वह पिंड पर अपन अधिकार पा सकेला। कैसे गुरुदेव? यदि तू अपन आत्मा के शुद्ध और पवित्र करके
कोनो ऐसन पवित्र शरीर में प्रवेश कर सका जे कबो पाप ना कैले होखे, त ओ शरीर के माध्यम से तू माता के पिंड पर अधिकार कर सकेला और हमनी सब के कार्य भी सिद्ध हो जाई। एमे का बड़ा बात बा, रउवा बताई कैसे संभव होखी। एकरा खातिर तोहके पवित्र ब्रह्म पुष्प के द्रव्य से स्नान करे के होखी, जे साल में एक के बार खिलेला और मात्र 3 द्रव्य बूंद ही देवेला। यदि वो 3 द्रव्य बूंद के भूमि में गिरे से पहले तू प्राप्त करके जल में डाल के स्नान कर लेला, तो तुहार आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाए। काहे कि भूमि में गिरते वो बूंद अपन शक्ति खो देवेले। गुरु पृथक, ये पुष्प कब और कहाँ खिली, एकर कोनो निर्धारित समय बा? हाँ, ओकर निर्धारित समय बा। सौभाग्यवश आज मध्य रात्रि में वो फूल खिल रहल बा। तोहके ओके ल्यावे खातिर अभी सुमरगन प्रदेश निकले के पड़ी। वो प्रदेश में वो एकमात्र पुष्प बा। वहां तोहके कहीं कोनो और पुष्प दिखाई ना दी, जैसे तोहके एके पहचाने में सरलता होखे। उचित बा, हम वो पुष्प के 3 बूंद के प्राप्त करे हेतु अभी निकलत बानी। बाकी यह में एगो समस्या बा। आपका ये पवित्र शंख पुष्प के द्रव्य बूंद केवल श्वेत शंख पात्र पर ही एकत्रित होखेला, जे कपालिक चिकित के लगे बा। कोनो अन्य पात्र में डलला के बाद ये बूंद वायु में विलीन हो जाला। एमे का समस्या बा, हम कपालिक चिकित से इस श्वेत शंख पात्र मांग लेत बानी। कपालिक चिकित तू श्वेत शंख पात्र कबो केहू के ना देवेले, कबो ना देवेले। अब का करबा भैरव, हम कहले रहनी समसासुर शक्ति पिंड के पावे खातिर कोनो प्रयत्न ना छोड़ी। अब का मार्ग बार हुआ लगे हमारे शक्ति पिंड के बचावे खातिर। के क्षमा कर दी भैरव, हमके छोड़ दा भैरव, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गई, हमके माफ कर दा, हमके जायदा, हमके माफ कर दा, क्षमा भैरव, हमके माफ कर दा। का भैल समसासुर, हमके यहाँ देख के चकित हो गईला। माता हमके संकेत दे ले रहली कि यहाँ तू अवश्य आईबा। ओने देखा ओबा कपाली चिकित जेकर श्वेत शंख पात्र तू चुरावे आयल रहला। का भैल समसासुर, घबरा गईला हमके देख के? आज तोहके माता के शक्तिपीठ के सामने भस्म कर दे। आज और यही समय तुहारी खेल समाप्त हो जाई। चला। Heh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 
हम जानत रहनी भैरव की तू हमके असफल करे खातिर कोनो न कोनो चाल ता जरूर चलबा। यही से हम एको पिशाच के आपन ही रूप देके यहाँ पहले से ही भेज देले रहनी। तू हबार इतना छोट चाल में इतना आसानी से फंस गईला भैरव। तू हमके श्वेत शंख पात्र के ले जाए से रोक ना सकेला। श्वेत शंख के पावे में सफल हो गए। अब शमशासुर के ओकर लक्ष्य से रोकल असंभव होखी। ओकर गुरु वृतक महादुष्ट बा उ दोनों मिलके अवश्य ही ऐसन कोनो चाल चली हैं कि सफल हो जाई हैं। उनके कैसे भी रोके के होखी का करबा उनके रोके खातिर। उ दुष्ट सबके सफल होखे से रोके के होखी कोनो न कोनो प्रयत्न तक कर ही के होगी। बधाई होके शमशासुर, बधाई होके तो सफल भइला। बाकी अभी तोरा सामने बाधा और भी बा। तोहके आज मध्य रात्रि से पूर्व सुमरपण प्रदेश पहुंच के इस श्वेत शंख पात्र में वो पवित्र पुष्प बूंद के एकत्रित करे के होखी। याद रहे बूंद धरती पर गिरल ता हमनी के 3 साल तक प्रतीक्षा करे के होखी और तब तक हमनी के एह पिशाच लोक में फसल रहे के पड़ी। चिंता मत करी गुरुदेव, किंतु ये भैरव शांत ना बैठी, ये अवश्य ही हमके रोके के प्रयास करी। तू जाए के तैयारी कर शमशासुर, तोके भैरव से बचावे में हम सहायता करब। हमके ऐसा आभास काहे हो रहा कि यहाँ से होखत के हुआ आगे गई बा। केहू तो बाड़ी है। हे वायुदेव, रउआ से विनती बाकी रउआ तीव्र वायु के प्रकोप दिखाई ताकि जदि यहाँ के वो अदृश्य होके तौराउर वेग से उड़के ए पवित्र पुष्प से दूर चल जाए।
इत कपाली चिकित के श्वेत शंख पात्र बा। हमार अनुमान सही निकलल। पुष्प से बूंदन के निकले के समय हो रहल बा और श्वेत पात्र भैरव के हाथ में बा। अब का करी, ओकरा बिना पुष्प के बूंद एकत्रित ना हो सकेला। पराजित हो गई नी हम, असफल हो गई नी। शमशासुर, अब तू कुछ ना कर सकेला और इस पवित्र पुष्प के बूंद तोहरा खातिर नहीं खे, काहे कि श्वेत शंख पात्र हमरा हाथ में बा। तू असफल भइला, अब हम के ये पात्र के एकरा सही स्थान पर पहुंचावे के। अवश्य ये दुष्ट के नया चाल बा। हम हार गए नी भैरव, हमके क्षमा कर दी। हम ना जानत रहनी रउआ शक्ति के हमार बहुत बड़ा भूल रहल और माता के विरुद्ध जाइल, ये हमार सबसे बड़ा भूल रहल। हमके क्षमा कर दी भैरव, हमके क्षमा कर दी। हमार बच्चा के देव, देव बच्चा ली, लौता पुत्र हमार बाहु देव। हे भैरव, रक्षा करे हमार बच्चा के। बचावा। कैसन लागल हमार छल भैरव? एक बार तू हम के छल्ला और एक बार हम तो के छल्ली। इस स्पर्धा बराबर के रहल ना? हम अपन शक्ति से केहू के भी अपन स्वरूप दे सके नी। आखिर पिशाच लोक में रहे के श्राप अंततः हमरा खातिर फलदायक सिद्ध भइल। आपन पिशाच गुरु से सिखले बानी हमी सब। मध्य रात्रि बीते वाला बा, हम जौन कार्य खातिर हिया आइल बानी, हमके शीघ्र ते शीघ्र के पूरा करे के होखी।
भैरव, तू हमरा के रोके में असफल भइला, शमशासुर सफल हो गई, अब हमार सब कार्य सिद्ध हो की। शमशासुर इतना अनर्थ हो गई, अब का करी माता, हम कैसे राहुल शक्तिपिंड के शमशासुर से बचाएं?